हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जेठ माह में अमावस्या के दिन जेठ अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जेठ अमावस्या का विशेष महत्व है। सनातन धर्म के अनुसार जेठ मास के अमावस्या तिथि को शनि जयंती के रूप में मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि देव का जन्म जेठ माह की अमावस्या तिथि के दिन हुआ था। इस तिथि को वट सावित्री अमावस्या का व्रत भी रखा जाता है, जिससे पति के दीर्घायु, उम्र तथा संतान की प्राप्ति होती है। जेठ अमावस्या समस्त प्रकार की कामना के लिए अति शुभ होता है, अतः यह अति उत्तम तिथि है, जिसे करने से ना केवल पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, अपितु वर्ती के समस्त प्रकार की कामना पूर्ण होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग में दान से बड़ा कोई धार्मिक कार्य नहीं है। इस दिन दिए गए दान से मृत्यु उपरांत स्वर्ग में वही वस्तु प्राप्त होती है, अतः इस दिन सामर्थ्य अनुसार दान दे। जेठ अमावस्या का व्रत नर और नारी दोनों के लिए है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे नित्य क्रम से निवृत्त होकर पवित्र नदियों, गंगा, यमुना अथवा सरोवरों में स्नान करें एवं सूर्य देव को अर्घ दें और प्रवाहित धारा में तिल प्रवाहित करें। तब पश्चात पीपल वृक्ष में जल का अर्घ दें और शनि देव की पूजा तेल, तिल और दीप जलाकर करें। शनि चालीसा का पाठ करें तथा भगवान शनि देव के मंत्र जाप करें। महिलाएं इस दिन वट वृक्ष के समीप मां सावित्री तथा यम देव की पूजा करती हैं। पूजा संपन्न होने के पश्चात सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों एवं गरीबों को दान दें। शनि जयंती जेठ अमावस्या। सनातन धर्म के अनुसार जेठ मास के अमावस्या तिथि को शनि जयंती के रूप में मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि देव का जन्म जेठ मास के अमावस्या तिथि के दिन हुआ है। जन्म के समय से ही शनि देव श्यामवर्ण, लंबे शरीर, बड़ी आंखों वाले और बड़े केशों वाले थे। वह न्याय के देवता हैं, योगी तपस्या में लीन और हमेशा दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं। शनि ग्रह को न्याय का देवता कहा गया है। यह जीवों को सभी कर्मों का फल प्रदान करता है। इस दिन शनि देव की विशेष पूजा का विधान है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए अनेक मंत्रों व स्त्रोतों का गुणगान किया जाता है। शनि हिंदू ज्योतिष में 9 मुख्य ग्रहों में से एक है। शनि अन्य ग्रहों की तुलना में धीमे चलते हैं, इसलिए इन्हें शनिश्चर भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि के जन्म के विषय में काफी कुछ बताया गया है और ज्योतिष में शनि के प्रभाव का साफ संकेत मिलता है। शनि ग्रह वायु तत्व और पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। शास्त्रों के अनुसार शनि जयंती पर उनकी पूजा आराधना और अनुष्ठान करने से शनि देव विशिष्ट फल प्रदान करते हैं। शनि देव को काला या कृष्ण वर्ण का बताया जाता है, इसलिए इन्हें काला रंग अधिक प्रिय है। शनि देव काले वस्त्रों में सुशोभित हैं। जेठ अमावस्या के दिन शनि दोष से ग्रसित मनुष्यों को शनि देव की पूजा करनी चाहिए, इससे शनि दोष से मुक्ति मिलती है। शनि जयंती पूजा। शनि जयंती के अवसर पर शनि देव के निमित्त विधि विधान से पूजा पाठ तथा व्रत किया जाता है। शनि जयंती के दिन किया गया दान पुण्य एवं पूजा पाठ शनि संबंधी सभी कष्टों दूर कर देने में सहायक होता है। शनि देव के निमित्त पूजा करने हेतु भक्त को चाहिए कि वह शनि जयंती के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि से शुद्ध होकर एक लकड़ी के पाट पर काला कपड़ा बिछाकर उस पर शनि जी की प्रतिमा या शनि देव की लोहे की मूर्ति या फोटो या एक सुपारी रख उसके दोनों ओर शुद्ध घी व तेल का दीपक जलाकर धूप जलाएं। इस शनि स्वरूप के प्रतीक को जल, दूध, पंचामृत, घी
इत्र आदि से स्नान के साथ ही साथ सरसों या तिल के तेल से स्नान जरूर कराएं। इसके पश्चात उनको इमरती तेल में तली वस्तुओं का नवेद कराएं। नवेद के पूर्व उन पर अबीर, गुलाल, सिंदूर, कुमकुम एवं काजल लगाकर नीले या काले फूल अर्पित करें। नवेद अर्पण करके फल व ऋतु फल के संग श्री फल अर्पित करें। निवृत्त होकर नवग्रहों को नमस्कार करते हुए इस पंचोपचार या षोडोपचार पूजन के पश्चात इस मंत्र का जप कम से कम एक माला से करें। ओम शौ शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रो स शनिश्चराय नमः। माला पूर्ण करके शनि देवता को संपर्ण करें। तत्पश्चात आरती करके उनको साष्टांग प्रणाम करें। इसके बाद पूजा सामग्री सहित शनि देव से संबंधित वस्तुओं का दान करें। इस प्रकार पूजन के बाद दिन भर निराहार रहें व मंत्र का जाप करें। शनि की कृपा एवं शांति प्राप्ति हेतु तिल, उड़द, काली मिर्च, मूंगफली का तेल, अचार, लौंग, तेज पत्ता तथा काले नमक का उपयोग करना चाहिए। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। शनि के लिए दान में दी जाने वाली वस्तुओं में काले कपड़े, जामुन, काली उदड़, काले जूते, तिल, लोहा, तेल आदि वस्तुओं को शनि के निमित्त दान में दे सकते हैं। शनि जन्म कथा। शनि जन्म के संदर्भ में एक पौराणिक कथा बहुत मान्य है, जिसके अनुसार शनि सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। सूर्य देव का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री संध्या से हुआ। कुछ समय पश्चात उन्हें तीन संतानों के रूप में मनु, यम और यमुना की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कुछ समय तो संध्या ने सूर्य के साथ निर्वाह किया, परंतु संध्या सूर्य के तेज को अधिक समय तक सहन नहीं कर पाई। उनके लिए सूर्यों का तेज सहन कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। इसी वजह से संज्ञा ने अपनी छाया को पति सूर्य की सेवा में छोड़कर वहां से चली गई। कश्यप मुनि के वंश भगवान सूर्य नारायण की पत्नी स्वर्णा यानी छाया की कठोर तपस्या से जेठ मास की अमावस्या को सौराष्ट्र के सिंगनापुर में शनि का जन्म हुआ। माता ने शंकर जी की कठोर तपस्या की। तेज गर्मी व धूप के कारण माता के गर्भ में स्थित शनि का वर्ण काला हो गया। इस पर तप ने बालक शनि को अद्भुत व अपार शक्ति से युक्त कर दिया। एक बार जब भगवान सूर्य पत्नी छाया से मिलने गए, तब शनि ने उनके तेज के कारण अपने नेत्र बंद कर लिए। सूर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देखा व पाया कि उनका पुत्र तो काला है, जो उनका नहीं हो सकता। सूर्य ने छाया से अपना यह संदेह व्यक्त भी कर दिया। इस कारण शनि के मन में माता के प्रति भक्ति और पिता से विरक्त हो गए। शनि के जन्म के बाद पिता ने कभी उनके साथ पुत्रवत प्रेम प्रदर्शित नहीं किया। अपने पिता के प्रति शत्रुवत भाव पैदा हुआ। इस पर शनि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। जब भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो शनि ने कहा कि पिता सूर्य ने मेरी माता का अनादर कर उसे प्रदांत किया है। मेरी माता हमेशा अपमानित व पराजित होती रही, इसलिए आप मुझे सूर्य से अधिक शक्तिशाली व पूज्य होने का वरदान दें। तब भगवान आशुतोष ने वर दिया कि तुम 9 ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान पाने के साथ ही सर्वोच्च न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विधाधर, गंधर्व व नाग सभी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। शनि महत्व। ऐसा कहा जाता है कि शनि जीवन में संतुलन लाते हैं। वह अमीर गरीब या किसी भी तरह का भेदभाव किए बिना सभी के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। ज्योतिष
फल कथन में तो यह विशेष तौर पर मान्यता है कि किसी व्यक्ति की सफलता या असफलता के लिए उस व्यक्ति की कुंडली में शनि की स्थिति और उसकी दिशा ही जिम्मेदार होते हैं। हालांकि शनि को लेकर लोगों के बीच काफी अंधविश्वास फैला हुआ है। लोग ऐसा मानते हैं कि किसी के दुर्भाग्य के लिए शनि ही जिम्मेदार है, लेकिन वास्तविकता यह है कि शनि शनि उन्हें ही शुभ फल और सफलता प्रदान करते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं और धैर्य के साथ इस पर लगातार बने रहते हैं। शनि अनुशासन का महत्व भी सिखाते हैं।